बारिश वारिश नहीं होता तो अभी लगभग 1 लाख मतलब बन जाता है कि नहीं? हाँ 3 आदमी मतलब 1 लाख नहीं बन जाता, हाँ मतलब होली तक मतलब बन जाता है 1 लाख पूरा कंप्लीट हो जाता। हाँ और इस 1250 1250 है दोस्तों, और ये वाला तो मतलब एक लंबाई 40 का है, मतलब एक खेवाल कितना, 1000 ना, तो कितना। हेलो दोस्तों, हमारी भगत दुर्गा ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। और दोस्तों अभी बज रहा है सुबह का 9 बज रहा है दोस्तों, और अभी अभी जस्ट ईंट बनाकर आए दोस्तों, थोड़ा सा मिट्टी बच गया था और थोड़ा सा और बनाने के लिए बाकी है दोस्तों। और मौसम देख सकते हैं, इधर काफ़ी तगड़ा धूप है, इधर कोहिनूर देख रहा है, इधर आकर इधर उस्मिता कैसे धूल धूल हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही धूल खेलते हैं इन लोग। और उधर आ रहा है खुशमिता, और इधर दोस्तों हमारे छोटा भी कचड़ा को वही फेंक रहा है दोस्तों, और वो वाला ईट देख सकते हैं कच्चा दिख रहा है, वो वाला को अभी बनाया है दोस्तों और थोड़ा सा बच्चा है। और इधर ये वाला को आज भिगोएंगे दोस्तों, ये वाला मिट्टी को। और हमारे बड़ा भी इधर है, बर्तन वर्तन धो रहा है दोस्तों, और अभी खाएंगे हम लोग खाना। और इधर आलू भाजा पक रहा है दोस्तों, आलू भाजा काफी अच्छा लगता है। चावल कैसे गीला है? नवा चावल है, नवा चावल है। तो दोस्तों मतलब नवा चावल को दे दिया है दोस्तों, देख सकते हैं मतलब गीला हो जा रहा है, मतलब अच्छा नहीं बन रहा है ना, हाँ। मतलब चिबरी बन जा रहा है दोस्तों, मतलब चावल आधा ज्यादा पक जा रहा है आधा कम पक जा रहा है ना, मतलब चावल अच्छा नहीं है, मतलब नवा चावल को दे दिया है दोस्तों। तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब अगली बार अच्छा वाला चावल लाएंगे है कि नहीं, हाँ। और यही को खा कर कर रहेंगे दोस्तों 1 हफ्ता अभी है कि नहीं, तो देख सकते हैं दोस्तों गीला हो गया है, खाने से तबीयत खराब भी होता है। हाँ तबीयत आधा मतलब पका रहेगा आधा नहीं पका रहेगा, तो हाँ। तबीयत खराब तो होगा ही, लेकिन क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, अभी 1 हफ्ता यही चावल खाएंगे हम लोग है कि नहीं, हाँ। अभी खाते हैं दोस्तों खाना, अभी इधर आलू भाजा इधर मिर्च, और रात का ही, हाँ। तो रात का है दोस्तों, थोड़ा सा दो ना साग, तो दोस्तों रात का है मटर और आलू, और रात का चावल है, तो अभी खाते हैं दोस्तों खाना। दोस्तों खाना वाना खा लिए दोस्तों, और चावल का तो मतलब पूछो ही मत दोस्तों, मतलब थोड़ा सा ही खाएं क्योंकि दोस्तों मतलब अच्छा नहीं है चावल, नवा चावल है इसीलिए थोड़ा सा खाएं दोस्तों। और इधर हमारे छोटा भी खा रहा है दोस्तों खाना, कैसा लग रहा है चावल? अच्छा नहीं है, नया चावल है इसलिए। तो दोस्तों मतलब चावल नया है इसलिए मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब चिबरी हो गया है कि नहीं, हाँ। अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, इसको बल्दी करना पड़ेगा है कि नहीं, हाँ। तो दोस्तों मतलब जाकर देखेंगे दोस्तों दुकान में चावल को लेकर देखेंगे, बल्दी करेगा तो दे देंगे दोस्तों, मतलब चावल बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, नवा चावल है इसीलिए, और देखते हैं दुकान वाला क्या बोलेगा, तो लेकर बल्दी करना जरूरी है, नहीं तो फिर काफी दिक्कत हो जाएगा है कि नहीं, हाँ। मतलब ऐसे चावल खाएंगे तो तबीयत के बाद पूरा खराब हो जाएगा, हाँ, ऐसे नहीं खाते हैं। और हम लोग तो पुराना चावल खाते हैं दोस्तों है कि नहीं, हाँ। और ये वाला पूरा नया चावल को दे दिया है दोस्तों, हम लोग ईंट बना लिए हैं दोस्तों, इधर देख सकते हैं इतना सारा ईंट बना दोस्तों, और वो वाला मिट्टी को मतलब भिगोने वाले थे दोस्तों, लेकिन वहाँ पर मतलब पाइप नहीं जा पाया तो इधर भिगोए हैं, देख सकते हैं वो वाला मिट्टी को मतलब पलटी करेंगे दोस्तों अभी, और काफ़ी तगड़ा धूप है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी धूप खुला हुआ है। और इधर हमारे बड़े भी लगा रहा है दोस्तों ईंट, ये वाला को, ये वाला सूख गया है दोस्तों, तो इसको मतलब अभी गोड़िया पकड़ रहा है। आज धूप कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना, हाँ। बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, गर्मी में अभी तो मतलब पलटी करेंगे तो मतलब हालत ख़राब हो जाएगा, पसीना भी मतलब अभी निकला नहीं है, जब मिट्टी पलटी करेंगे तो मतलब पसीना वसीना पूरा निकल आएगा दोस्तों, अभी पलटी वल्टी करेंगे अभी दोस्तों। हम लोग मिट्टी उट्टी पलटी कर ली है दोस्तों, और मिट्टी पलटी करते करते पूरा हालत ख़राब हो गया दोस्तों, और इतना धूप है तो पूछो मत, अभी मतलब खेवाल के मतलब नीचे में बैठे हैं दोस्तों, इधर छाँव है तो, और इधर तक देख सकते हैं ये वाला मिट्टी को पलटी किए हैं दोस्तों, और इधर का पूरा ईंट को मतलब इधर पूरा लगा लिए हैं दोस्तों सभी ईंट को, और वो वाला तो आज बनाए हैं वो वाला ईंट है, और देख सकते हैं तगड़ा धूप है दोस्तों,
और अभी जाते हैं घर दोस्तों। हमारे दोनों बीबी चले गए हैं घर। तो इधर हमारे छोटा बीबी खा रहा है दोस्तों गन्ना, और इधर खुशमिता ये भी खा रहा है गन्ना। इधर देखो तो ये खा रहा है दोस्तों गन्ना, देख सकते हैं। और इधर कोहिनूर आग जला रहा है, देख सकते हैं। और इधर मतलब गन्ना वन्ना है दोस्तों, और इधर आग जला रहा है। इसका बुद्धि देखो, बुझाओ उसको। दोस्तों आज आप लोगों को बताएंगे दोस्तों हमारा ईंट कितना बना है, और मतलब आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों पूरा सभी ईंट को, और कितना है आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को मतलब बताए नहीं है मतलब कितना ईंट हमारा बना है टोटल, है कि नहीं। हाँ। और आए हैं तब से मतलब बना रहे हैं तो बना रहे हैं, और हम लोग भी काउंटिंग नहीं किए हैं, और आज काउंटिंग करेंगे दोस्तों, और आप लोगों को भी बताएंगे और अभी दिखाएंगे दोस्तों। अभी ईंट ऊपर में चढ़ कर, है कि नहीं। हाँ। और मतलब बहुत ईंट हम लोग बना लेते हैं दोस्तों, लेकिन मतलब हर हफ्ता मतलब बारिश हो रहा था, हर हफ्ता बारिश और फिर ठंड में ईंट नहीं बनाए, तो उतना ज़्यादा तो नहीं बनाए हैं, है कि नहीं। हाँ। और अभी काउंटिंग करेंगे दोस्तों, और आप लोग बताएंगे कितना है क्या है, और हम लोगों को भी पता चलेगा। तो अभी जाते हैं दोस्तों ऊपर, और आप लोगों को दिखाते हैं पहले ईंट। दोस्तों उधर हमारे बड़ा भी काउंटिंग कर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं ऊपर से मतलब कितना सारा ईंट दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। और इधर भी ऊपर से मतलब काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है दोस्तों, लगभग 1 लाख ईंट होगा ऐसे मतलब दिख रहा है ऊपर से। इधर काउंटिंग कर रहा है दोस्तों कितना है, तो अभी काउंटिंग करते हैं कितना है। कितना है? 23। तो ये वाला 23 का लंबाई है दोस्तों। दोस्तों ये वाला 4600 है दोस्तों ये वाला, और उधर दिख रहा है वो वाला 1200 कितना, 1250 है दोस्तों। और ये वाला तो मतलब एक लंबाई 40 का है, मतलब एक खेवाल कितना, 1000 ना। हाँ। तो कितना 10000 है ना, यानी 12000। हाँ। ये वाला 12000 है दोस्तों, देख सकते हैं। अब कितना सारा ईंट है, और 12000 ही है कि नहीं। हाँ। और उधर जाते हैं दोस्तों वो वाला को काउंटिंग करते हैं कितना है, तो ये वाला कितना है। ये वाला दोस्तों 7200 है ना। हाँ। ये वाला 7200 है दोस्तों, दिख रहा है जैसे कि 15-20000 है ऐसे, है कि नहीं। हाँ। और ये वाला कितना है दोस्तों, ये वाला को भी काउंटिंग करते हैं अभी। ये वाला कितना है, ये वाला 2000 है, 1000 है, 3000। तो ये वाला 3000 है दोस्तों, मतलब ये वाला और लास्ट वाला करके 3000 है। और अभी नीचे तरफ उतरते हैं दोस्तों, और जोड़ते हैं कितना है। दोस्तों हम लोग पूरा सभी ईंट को मतलब काउंटिंग कर लिए हैं दोस्तों, और हमारा ईंट टोटल है दोस्तों 30000 बना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं बना है कि नहीं। हाँ। और मतलब क्या बोलते हैं, बारिश वारिश नहीं होता तो अभी लगभग 1 लाख मतलब बन जाता है कि नहीं। हाँ। 3 आदमी मतलब 1 लाख नहीं बन जाता। हाँ। मतलब होली तक मतलब बन जाता 1 लाख, पूरा कम्प्लीट हो जाता। हाँ। और इस साल तो मतलब बारिश मतलब इतना हुआ कि मतलब क्या ही बताएं दोस्तों, 30000 ही हमारा ईंट बना है। जो खड़ा वाला है वो वाला है 28000 दोस्तों, और नीचे तरफ है 2000, उसको मिला के मतलब 30000 टोटल बना है। और 30000 में तो कुछ होगा नहीं, नहीं। है कि नहीं। हाँ। जो पैसा लिए हैं तो मतलब कुछ भी अभी मतलब छूटा नहीं है दोस्तों, क्या ही बताएं। इस साल मतलब काम अच्छे से नहीं हो रहा है, बारिश बहुत हो रहा है ना, बारिश की वजह से। और अभी तो फिलहाल मौसम खुला है, देखते हैं ऐसा ही मतलब मौसम ख़राब होते रहेगा तो फिर अब पैसा वैसा कुछ भी मतलब नहीं छुटाएगा दोस्तों। बारिश वारिश नहीं होता तो मतलब बहुत ईंट बन जाता है कि नहीं। हाँ। और देखते हैं दोस्तों, मेहनत करेंगे, मेहनत मौसम अच्छा रहेगा तो मेहनत करेंगे, है कि नहीं। हाँ। और देखते हैं मतलब कितना दिन है, 3 महीना ना। हाँ। 3 महीना और रहेंगे दोस्तों यहाँ पर, 3-3.5 महीना, देखते हैं कितना ईंट बनेगा 3 महीना में, है कि नहीं। हाँ। और ले चलो दोस्तों आप वीडियो को यही एंड करते हैं, और अभी मैं भी खाना वाना खाऊंगा दोस्तों अभी। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों अगर नए हैं तो। और नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।